ईश्वर ने हम सबको अद्भुत रीति से बनाया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम लोग चिंतन करेंगे संत लूकस का अध्याय 4 से पद संख्या 24 से 30 तक में। प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र वचन में बताया गया है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि अपने घर में नबी का स्वागत नहीं होता है। सुना आपने? अपने घर में नबी का स्वागत नहीं होता है। हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। प्रभु यीशु क्रिस्त जब स्वयं अपने घर में आए तो लोग समझने लगे, ये तो एक साधारण सा व्यक्ति है जो हमारे बीच में जन्म लिया है, जो हमारे बीच में खेला कूदा है, बड़ा हुआ है, अब ये कौन सी महान बात बता सकता है। बहुत सुंदर वचन है चिंतन के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचा मत दिखाइए। एक छोटा सा छोटा बच्चा मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है, और खास करके यदि उस बच्चे में, उस व्यक्ति में ईश्वर का सान्निध्य है तो फिर तो बात ही कोई और है। हर व्यक्ति ईश्वर के अनुसार अमूल्य है और हर व्यक्ति में ईश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है, और इस बात की हमें इज्जत करना चाहिए। मैं समझता हूं आज हमारे परिवारों में बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए चलती है क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। पति पत्नी की इज्जत नहीं करता, पत्नी पति की इज्जत नहीं करता, बच्चों को हम नीचा दिखाते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद छोड़ देते हैं। आज की समस्या क्या है मालूम आप लोगों को? कई बार हम बच्चों को ब्रांड बना देते हैं, ब्रांडेड कर देते हैं कि ये तो पढ़ता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के समय को समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि ईश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए एक योजना है, और यदि हमने उस योजना को पहचान लिया, उसके अनुरूप जीवन को ढाल दिया, तो वह व्यक्ति महान बन जाएगा। मैं समझता हूं हम सबको यह सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर के गुणों से किस प्रकार से ओतप्रोत है। इस पवित्र वचन में बताया गया है कि उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त वहां पर बहुत सारे चमत्कार नहीं कर पाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके अविश्वास के कारण ईश्वर वहां पर बहुत सारे चमत्कार नहीं कर पाए। हमारे परिवारों में, हमारे छोटे छोटे घरों में भी बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं यदि हम उसकी इज्जत करें, यदि हम उस पर विश्वास करें, यदि हम उन चीजों को प्रोत्साहन दें। पर बड़े इत्तेफाक की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने घर की मुर्गी को दाल बराबर ही समझते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इन पवित्र वचनों के माध्यम से हम दूसरे के सम्मान को समझें, दूसरे को जीवन को आगे बढ़ाएं, और समझें कि हमारे घर में ही इतने सारे उपकार हैं, इतना से गुण हैं, इतने सारी उपलब्धियां हैं।
है।